अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन अनदर व्लॉग। आज का यार व्लॉग अंदरून लाहौर और शालीमार पे है, जैसा कि आपको कैप्शन से ही अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि हम सारी रात सोए नहीं, इसलिए आंखें बहुत रेड रेड हैं। और ना सुबह जाना था जल्दी शालीमार, लेकिन अभी उठे हैं, फ्रेश हों में, जल्दी जल्दी दोस्त की कॉल आ रही थी, नंबर बंद था, तो वो एकदम मेरा अलार्म बोला तो मैंने चेक किया। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल उबर मंगवाई है, उबर से जाते हैं ऑरेंज ट्रेन पर, ऑरेंज ट्रेन से फिर आगे जाएँगे शालीमार, और फिर यार फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन। यहाँ से लेते हैं कॉइन वगैरह और फिर चलते हैं आगे। कॉइन ले ली थी टिकट, अभी आ गए हैं इधर, ऊपर जा रहे हैं और इनसे उसके बाद मिलते हैं आपको। यार आ गए थे ट्रेन में, अभी आई है ट्रेन। फाइनली कल हम गार्डन स्टेशन पर पहुंच गए थे, अभी नीचे चलते हैं, वहाँ पे दोस्त वेट कर रहा है तो उससे मिलते हैं, तो फिर आगे का प्लान करते हैं, पहले शालामार जाना है या अंदरून जाना है। दिल्ली गेट पहुंच चुके हैं, अभी एंटर होते हैं तो आगे देखते हैं क्या सीन है बाज़ार का, और वो जो उनसी स्ट्रीट्स हैं वो देखते हैं, राजनपुर स्ट्रीट्स और वो दूसरी। चलते हैं ये अंदरून लाहौर का बाज़ार है, इधर काफ़ी यूनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों की वो शॉर्ट की ज़्यादा देते हैं, काफ़ी चीज़ों की नहीं देते, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना आपको हो सका उतना करेंगे। ये जी गली सुरजन सिंह, यही वो गली है जिसके बारे में काफ़ी मशहूर है, और इसके साथ साथ ही आगे वो आती है, उसे क्या कहते हैं, उस्मान के बैठ वगैरह वाला, वो आगे सामने। आर्ट गैलरी है इधर उसी गली में, तो ये इधर जाते हैं। क्या इधर फोटो अलाव है अंकल, फोटो अलाव है? सेंटर हुए थे, ओवरऑल इसके 13 दरवाजे हैं, और हम इस टाइम सेकंड दरवाजे पर पहुँच चुके हैं, जो यानी कि ये वज़ीर ख़ान मस्जिद के आगे है, ये दरवाज़ा है दूसरा, और इधर से हम अब देखते हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद जाना, बाहर से तो ये बहुत प्यारी बनी हुई है। लाहौर का तीसरा मेन गेट है, इधर से हम पहले दिल्ली गेट सेंटर हुए थे तो दूसरे गेट पे आ गए, तो ये वज़ीर ख़ान मस्जिद के साथ ही है, ये इधर से एक गुंबद नज़र आ रहा है वज़ीर ख़ान मस्जिद का, और ये गेट ये है वज़ीर ख़ान मस्जिद का। ये है शाही हमाम इधर का, इधर सुबह 10 बजे कोतवाल का शाही फरमान पढ़ा जाता है, फिर दोपहर को 1 बजे जनात का कुआं, और अहाता वज़ीर ख़ान में 3 बजे। अभी 10 बजे हम लेट हो गए हैं, वो कोतवाल का जो उनसा था फरमान वो हमने लेट कर दिया। ये कुछ चीज़ें हैं, टिकट घर है, इधर से टिकट लेते हैं हम और फिर चलते हैं स्टूडेंट की, विजिटर की और फॉरेन की। तो यार यहाँ से फाइनली हमने टिकट ले ली थी,
और अभी चलते हैं विजिट करते हैं शाही हमाम जो सा है इधर का, तो वहाँ पर अभी देखते हैं। ये एंट्री गेट आ गया, इधर से एंटर होते हैं तो फिर आगे देखते हैं क्या सीन शीन है। यह है वो शाही हमाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सर्दियों में हमेशा गर्म पानी रहता था और गर्मियों में ठंडा पानी, और जो उनसे थे मुगलिया ख़ानदान के हुक्मरान उन्होंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि इसका पानी कभी भी गर्मियों में गर्म नहीं हुआ था और सर्दियों में ठंडा नहीं हुआ था। ये यहाँ के कुछ यूनिक चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि पहले ज़्यादा हिंदी ही चलती थी। ये तो फाइनली हम बाहर आ गए हैं, अब हम इधर से सोचते हैं कि नाश्ता पॉइंट है इनका और इधर से देखते हैं इधर से नाश्ता करना है या बाहर जाकर नाश्ता करना है। ये नाश्ता इनका भी अच्छा है, डील तो अच्छी दे रहे हैं। क्या प्लेट ठीक है, ये वो कोतवाल जो होते हैं और ये कैफे है इनका। तो अब चलते हैं वो बरीक गली की तरफ जिसके बारे में मशहूर है कि जिसके में गुजरने के बाद इतना वो फासला रह जा सकता है कि बंदा निकाही जायज हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और तो इधर से देखते हैं लास्ट रह गया, इसके अलावा तो बाकी सारा विजिट कर लिया। तो यार फाइनली उधर से निकले हैं दिल्ली गेट से और वो सारा देखने के बाद तो अभी आ गए हैं इधर शाही किला, शाही किला देखते हैं और फिर साथ में बादशाही मस्जिद घूम के फिर वापस जाएंगे। और आज ही वापस निकल रहे हैं मिंशनाबाद के लिए क्योंकि वहाँ पे यार कुछ काम पड़ गए हैं दो तीन ज़रूरी, तो इसीलिए वहाँ पे जाना है। तो अभी तो यार ये गुरुद्वारा आ गया, गुरुद्वारे के साथ शाही किला जाते हैं, उसके बाद हम बादशाही मस्जिद जाएँगे। मीनारे पाकिस्तान यार जाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो सब ने देखा हुआ है। और रश था, दोस्त फाइनली ले रहा है टिकट लेके फिर चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या सीन है खीन है। काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ मैं, तो ट्रिप के साथ आया था लास्ट टाइम, उसके बाद आया ही नहीं इधर। तो आज मैं मूड बना, मैंने कहा चलो अंदरून लाहौर आए हुए हैं तो ये भी विजिट करते हैं। तो अभी चलते हैं तो देखते हैं ये फिलहाल टिकट करा है। तो फाइनली हम शाही किले के अंदर एंटर हो गए हैं, ये एंट्रेंस है इसकी, ये वार्ड लॉ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से लगे हुए हैं, वो जो उनसे क्राफ्ट का होता है पहले से स्टार्ट वही सीन है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं आगे अंदर जाके क्या सीन है। वो मीनारे पाकिस्तान रहा, ये शाही किले की हैं और वो बादशाही मस्जिद के गुंबद हैं। और अभी हम इधर चलते हैं, ये घोड़सवारी है, इस पर पिक्चर बना सकते हैं या चक्कर लगाती है। कितने का इसका एक चक्कर है और पिक्चर बनाने के क्या चार्जेस हैं? 50 इस पर बैठ के ठीक हो गया। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया से गए। वो इसकी ना असल में रिपेयरिंग नहीं की इन्होंने दोबारा।
ये अकबरी इमाम और वो गैलरी का सारी लोकेशन दी हुई इन्होंने जी। ये जहांगीर आता है, ये जहांगीर आता में हम इस टाइम खड़े हैं। अब आगे चलते हैं, वो पहले उधर चलते हैं म्यूजियम वगैरह गैलरी में, और उसके बाद वो जौनसी हवेली वो देखते हैं। भाई आते हैं, सारी भूल गए, ये मुगल गैलरी है यार। अभी हम एंटर होते हैं तो आगे अंदर दिखाते हैं क्या सीन सीन। ये पुराने जमाने के सिक्के जो चलते रहे हैं वो हैं कॉइंस वगैरह। ये हैं जहीरुद्दीन अकबर के दौर के, और ये हैं जलालुद्दीन अकबर के दौर के, और ये नूरुद्दीन जहांगीर के दौर के, ये शहाबुद्दीन, ये उनके दौर में जो सिक्के राइज हुए थे, ये बहुत चीज़ें सारी। ये भी कुछ कॉइन है लेकिन ये कुछ केमिकल से रिमूव हो गए हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये कुछ हैं जो पड़े हैं इस टाइम, ये फर्क से के दौर के हैं, ये भी कुछ कॉइन्स पड़े हैं। ये भी ये इनके टाउन का नक्शा है, वो जो सा पूरा ये फाइनली शाही किला से होके हम इधर आ गए थे बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद में थोड़ा इधर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है। अभी मैंने जाना है वापस हॉस्पिटल, वो हमजा का आपको पता है उसको हुआ था वो कैंसर की शिकायत थी, तो वो वहाँ पे एडमिट है, तो उससे मिलना है। उससे मिलने के बाद फिर वापस निकलना है, सीधा इसे बाहर से शूट करते हैं। अंदर से देखिए ये पहुँच चुके हैं अभी मेरा इकबाल के मज़ार पर, यहाँ से होके आते हैं अंदर, मैं विजिट कर लूँ। ये पकड़ना, ये यहाँ पे शूज़ उतारते हैं, शूज़ अलाउड नहीं होंगे। अच्छी जगह अपने आप में एक नाम था, नाम पत्थर रहेगा। तो यार फाइनली इधर से निकल आए थे हम शाही किले से और शाही मस्जिद से, अभी हम जा रहे हैं फिर आगे लेते हैं मेट्रो और जाते हैं कलमा ची मिला। मेट्रो स्टेशन पे आए हैं, यहाँ से निकलते हैं कहीं और जाके देखते हैं नाश्ता। तो यार टिकट ले ली, अभी चलते हैं कलमा चौक, वहाँ से जाते हैं अनमोल हॉस्पिटल और वहाँ पे जाके मिलते हैं। फाइनली आ गए थे मेट्रो में, कलमा चौक खड़े हो गए, चने खा रहे हैं उस्ताद जी, नाश्ता लगा नहीं। जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल एंड मॉल, वहाँ से फिर कुछ खाएंगे उसके कैफे से मॉल वाली चीज़। तो यार फाइनली आ चुके थे अनमोल हॉस्पिटल हमजा भाई के पास, इधर हमजा भाई के पास बैठे हैं, ये हमजा भाई अंदर निकाल रहे हैं, ड्रिप लगी हुई है हमजा भाई को, अल्लाह पाक हमजा भाई को सेहत दे। कैसे हो, सही हो है, वहाँ आ गया सी। ये बैठा है कालीदास छांचड़ थे। अभी हम जा रहे हैं यूएमटी जाके खाना खाते हैं, अमीर भाई की क्लास हो गई थी, वो भी आ रहे हैं रूम में, तो वहाँ पे मिलते हैं। यार फाइनली आ गए थे रूम में, तो और अभी हम जाते हैं खाना खाने, खाना खा के तो फिर जाते हैं यूएमटी, यूएमटी से वापस आके फिर निकलेंगे मिंचनाबाद के लिए। टिकट मैंने रखवा दी थी, आज घर जाना है यार सूरत में। हम फाइनली आ गए थे यूएमटी के कैफे, तो मेम्बर वगैरह क्लास लेने चले गए, उन्होंने मेरी एंट्री करवा दी, तो यहाँ से खाते हैं पिज़्ज़ा स्लाइस और था। पिज़्ज़ा स्लाइस ले लिया था, अभी खाते हैं इधर बैठ के, फिर देखते हैं क्या सीन है, कैसा टेस्ट है इनका। फाइनली यार घर आ चुके थे फ्लैट पे, यूएमटी से खाया पिज़्ज़ा स्लाइस, और उसके बाद यूएमटी घूमते रहे, नमाज पढ़ी, मोबाइल की भी बैटरी लो हो गई थी, तो इसीलिए मैंने अभी लोग आगे बनाया ही नहीं, तो अभी सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, नींद लेता हूँ तो लेटता हूँ थोड़ी देर। इसके बाद 9:30 बजे निकलेंगे और इंशाल्लाह 12:00 बजे पहुँच जाएंगे। खैर उसका शॉर्ट्स मैं बनाता रहूँगा, लेकिन उसके पीछे वो लगाऊँगा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊँगा, क्योंकि यार अभी ना आगे और बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं इधर ही व्लॉग को एंड करते हैं। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपने और अपने पैरों का ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। बड़ी मज़े की वीडियो है ये, उन्होंने लाहौर की तो वीडियोज़ बहुत कम मिलती हैं।